तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज्यादा घोटाले से संबंधित है। क्या घोटाला समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए कि आपको अगर मैं एक लेकर चलूँ एक न्यूज के पास जो कि द हिंदू की थी। क्या एक न्यूज है, क्या द हिंदू आपको पता ही होगा कि एक बहुत बड़ा पेपर है जो यानी अखबार है, उसमें आती है खबरें तो बहुत सही होती है, जहां तक कि उसकी खबरें सही होती हैं। तो अगर आप क्या इंडिया के बेरोजगार युवा हो तो यह वीडियो आपके लिए खास आपके लिए बनाई गई है। तो अगर मैं बात करूं द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार कि उसमें कहा गया था कि 2020 तक हमारे देश में यानी जो हमारा भारत है इसमें 65% क्या युवा होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा युवा व्यक्ति होंगे। अब चलो ठीक है, युवा व्यक्ति तो होंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो अब वैकेंसी आपकी रेलवे में आई हुई है उनके कोई एग्जाम नहीं हो रहे हैं और आपके पास सबसे ज्यादा युवा हैं, बेरोजगार हैं। तो मैं आपको एक खबर लेकर के पास और जाता हूं कि आपके पास एक खबर आई थी पिछले साल आरआरबी एनटीपीसी की। आरआरबी एनटीपीसी एक फॉर्म निकालता है, क्या आरआरबी एनटीपीसी एक फॉर्म निकालता है और उसमें वो कहता है कब निकालता है, और 1 मार्च को निकालता है। कब? 1 मार्च को निकालता है और कहता है आप 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें वो कितनी वैकेंसी निकालता है, इसमें वैकेंसी निकालता है 35,000। कितनी निकालता है? 35,000 समथिंग समथिंग वैकेंसी निकालता है और कहता है कि 1 मार्च से 31 मार्च तक आप उसमें फॉर्म भर सकते हो, कोई बात नहीं। बाकी की बात मैं आपको लेकर चलूंगा अगली खबर पर कि अब एक और फॉर्म आता है आरआरसी ग्रुप डी का एक फॉर्म और आता है। वो कब आता है? वो इसके थोड़े दिनों बाद ही आ जाता है। कब? 12 मार्च को। 12 मार्च को एक फॉर्म और आ जाता है ग्रुप डी का। फिर वो कहते हैं कि इसका तुम फॉर्म भर सकते हो कि आप लोग फॉर्म भर सकते हो 12 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में। क्या? जैसे सब 2019 की बात हो रही है, 2019 की बात हो सकती है। और इसमें वो वैकेंसी कितनी निकालता है? तो इसमें वैकेंसी वो समथिंग समथिंग 1 लाख के समथिंग निकालता है। कितनी? 1 लाख के समथिंग वैकेंसी निकालता है, 1,03,769 की वो वैकेंसी निकालता है। और वो कहते हैं इसमें फॉर्म भरिएगा, चलो कोई बात नहीं, फॉर्म भरने के लिए चलो अच्छी बात है। अब आपको पता होना चाहिए कि वो उनने जो आपके पास आरआरबी एनटीपीसी था, अब इसमें 35,000 वैकेंसी निकाली और जो हमारे युवा वर्ग था, क्या युवा वर्ग था, उनने कितने फॉर्म भरे इसमें? समथिंग समथिंग 1 करोड़। कितने? 1 करोड़ के समथिंग इनने फॉर्म भरे इसमें भर दिए गए। तो अब 1 करोड़ इसमें फॉर्म भर दिए जाते हैं और इसकी भी बात की जाती है तो इसमें भी समथिंग समथिंग 1 करोड़ फॉर्म भर दिए जाते हैं। कितने? 1 करोड़ के समथिंग इसमें फॉर्म भर दिए जाते हैं। चलो तो ठीक है, इसमें फॉर्म भर दिए गए हैं। अब वो तो कहते हैं कि अब आपके पास क्या 1 करोड़ इसमें फॉर्म भर जाते हैं और 1 करोड़ आपके इसमें फॉर्म भर जाते हैं। तो अब आपके पास टोटल फॉर्म भर के समथिंग समथिंग इसमें फॉर्म भर के आते हैं कितने? 2 करोड़ आपके पास आते हैं, 2 करोड़ 41 लाख या 40 लाख मान लीजिए, 2 करोड़ 40 लाख के समथिंग आपके पास फॉर्म भर के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या कहते हैं कि वो जनरल होते हैं, जनरल कैटेगरी वाले होते हैं और आपके एसटी और एससी वाले होते हैं तो इन पे लेते हैं वो 250 रुपए, और जनरल और ओबीसी वाले होते हैं तो उन पे लेते हैं वो कितने? 500 रुपए। अगर अब बात की जाए कि इतने फॉर्म हमारे पास 2 करोड़ 40 लाख तो फॉर्म भर दिए जाते हैं और अगर इससे 500 से हम लेकर चलते हैं कि कितना इसमें इनने पैसा जुटाया तो समथिंग समथिंग इनने कितना? 12 करोड़ के समथिंग इनने कितना, सॉरी 1200 करोड़ के समथिंग इनने क्या इनमें रुपया यानी फॉर्म भरवाई ले ली। ठीक है, अगर हम इसकी बात की जाए तो अगर इनकी बात की जाएगी तो इसका आधा कर लेंगे कितने? 6 करोड़ के समथिंग। तो अगर हम जे दोनों को छोड़ देते हैं और अगर इनके बीच की बात की जाती है तो समथिंग समथिंग, अब आपको पता होना चाहिए कि सारे तो जनरल ओबीसी होंगे नहीं और सारे एसटी एससी भी नहीं होंगे। तो अगर हम बात करें कि इसमें कि टोटल पैसा हमने कितना लिया हमसे, तो टोटल पैसा हमने हमें इससे कितना ले लिया? 1,000 करोड़ के समथिंग। क्या? 1,000 के करोड़ समथिंग उनने हमसे पैसा ले लिया।
टेस्ट। अब आगे बात आती है कि कहते हैं कि ये अब आपको पता है कि 1 करोड़ इनने पैसा ले लिया, वो भी कितने तक आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म हमारा निकला था 1 मार्च को, फर्स्ट फॉर्म निकला था और सेकंड फॉर्म निकला था 12 मार्च को। आपको पता है कि टोटल 1,000 करोड़, ये कितने 1,000 करोड़ रुपए हैं, कोई इनको होने हो कितना टोटल 1 वर्ष आ रहा है, कितना 1 वर्ष हो जाते हैं और 1,000 करोड़ इनके पास पैसा पहुंच जाता है। और इनका अब अगर मान लीजिए अगर इन्हीं फॉर्म तो भरवा लिए थे और बात की जाती है कि अगर हम एग्जाम नहीं कराना है तो बता दीजिए, सीधी सी बात है, क्या एग्जाम नहीं कराना है तो बता दीजिए। और अगर आपसे बात की जाए कि 1,000 करोड़ को अगर किसी भी बैंक में, जो आपके पास कोई भी बैंक है, इसमें अगर वो डिपॉजिट कर देते हैं, क्या इसमें अगर वो डिपॉजिट कर देते हैं तो कोई सा भी मरा बैंक होगा, यानी कि गिरी से भी गिरी हालत में होगा, तो क्या हो जाएगा, वो एक जिंदा हो जाएगा, बहुत अच्छी कंडीशन में रहेगा। 1,000 करोड़ दोस्तों बहुत कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं, क्या बहुत ज्यादा होते हैं 1,000 करोड़। अगर अब आपसे जो क्या अगर इनसे बार बार पूछा जाता है तो एक ही बात कह देते हैं, कहीं इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहे हैं, अगर एग्जाम नहीं कराना तो सीधी बात बता दीजिए। और अभी तक तो इनने क्या कि आपने कोई वेंडर होता है जो यानी जो एग्जाम कराने वाला, इनने अभी तक तो कोई डिसाइड ही नहीं कर पाया कि अभी जब बताए कि अभी 1 साल होने को जा रहा है, वेंडर क्लियर नहीं कर पाया है, तो जो पेपर कब लगाएंगे, क्या एग्जाम कब होंगे। समझो कितने लोगों की आस है इससे, 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 40 लाख लोगों की क्या इससे आस जुड़ी हुई है कि 2 करोड़ 40 लाख को जो बीच में लटकाए हुए हैं ना, तो वो बच्चे क्या इधर के हो रहे हैं ना उधर के, क्योंकि अगर इसे छोड़कर भी नहीं जा सकते और इसे आकर और इसे ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि अब जब तक उनका डेट का पता नहीं चलेगा तब तक किसी भी बच्चे का क्या मन नहीं लगता है पढ़ने में। और बात सबसे बड़ी बात आती है, अगर आपको एग्जाम कराना है तो जल्दी करा लीजिए, नहीं कराना है तो सीधी क्या करें। और चलो बात आती है कि अगर वो कहेंगे कि हमने चलो 500 रुपए तो लिए थे लेकिन हमने भी कहा था कि वापस कर देंगे, चलो ठीक है वापस तो करोगे लेकिन कब, जब एग्जाम होगी उसके बाद ही करोगे, यही बात है ना, एग्जाम हो गए तब उसी के बाद तो आप वापस करोगे ना। तो अब बात होती है कि अगर आपको एग्जाम तो करा लिया चलो ठीक है, ये तो एक रेलवे का एग्जाम होता है, चलो अगर कोई भी वैकेंसी आती है, अब पिछली बार भी क्या, और हम एसएससी की ही बात देख लें, पिछली बार भी एसएससी में बहुत हल्ला हुआ था, आपको पता होगा कि एसएससी में बहुत हल्ला हुआ, तो हमें अब यह लगता है कि एग्जाम तो सही से होने वाला है नहीं, पता नहीं कब होगा, और अगर होगा भी तो आप समझ लीजिएगा आपका जून और जुलाई से पहले एग्जाम आपका होने वाला नहीं है, आपके पास 100% है। और अब बात की जाती है कि जो 2 करोड़ 40 लाख बच्चे जुड़े हैं जो एग्जाम दिया है वो क्या दर दर भटक रहे हैं, क्या दर दर भटक रहे हैं। और आपको पता होगा कि ज्यादातर जो कोचिंग वाले होते हैं या ऑनलाइन कोचिंग वाले टीचर होते हैं तो वो क्या करते हैं, बार बार इन्हें वो पैसा लेते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। आपको पता हो कि अगर ये 2 लाख 40 हजार बच्चे ऐसे होंगे इनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, अगर आपको पता हो कि अगर ये बच्चे होते कि इनके घर पे BMW वगैरह वगैरह कार रखी होती तो ये कभी RRB यानी रेलवे का एग्जाम देने आते ही नहीं, ठीक है। तो अब जिन जुड़े हैं तो इनके तो क्लियर करवा दीजिए, जो भी कोई नेता इस वीडियो को देख रहा तो अब बात करिएगा कुछ भी, तो आपको इनका भविष्य देखना चाहिए, तो जे क्या इनका भविष्य देखना चाहिए और इनका एग्जाम करा देना चाहिए। अगर नहीं कराना है तो आप बिल्कुल बता दीजिए कब होगा, आप पहले कहते हो कि एग्जाम हमारा सितंबर से, क्या सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगा, क्या सितंबर के से अक्टूबर के बीच में, जी तो मैंने बहुत पीछे ही बात बता दी, पहले तो कहा था जून से जुलाई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा लेकिन सितंबर में भी नहीं होता है, फिर कहते हैं कि आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है, 1 महीना और किसका दिया जाता है, फिर कहते हैं आपका नवंबर से दिसंबर में होता है, फिर सीधे 2 महीने और किसका देते हैं, कहते हैं आपका फरवरी से मार्च के बीच में हो जाएगा लेकिन वो भी कोई कंफर्म नहीं हुआ है। जब तक आपका वेंडर क्लियर नहीं होगा और वेंडर क्लियर होने के बाद मैं बता दूं कि कम से कम 2 और 3 महीने से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, जब आपका वेंडर जब तक वेंडर क्लियर होगा तब तक आपके 3-4 महीने वैसे ही निकल चुके होंगे,
और फिर उसके बाद आपके 2-3 महीने और, यानी कि आपके अभी तक 6-7 महीने तक नहीं होने वाले हैं। और अब बात होती है कि एग्जाम कब कराना है, और मुझे गुस्सा तो तब आती है कि लोग पूछते हैं कि एग्जाम कब होगा कब होगा कब होगा। अब कैसे बता दिया जाए कि एग्जाम कब होगा, जब ऊपर वाले नहीं सुनते हैं तो टीचर भी क्या करें, क्या टीचर भी क्या करें कि एग्जाम कब होगा। आपके पास सारा डेटा है और एग्जाम तो वैकेंसी तो बहुत सी निकाल देते हैं, क्या वैकेंसी अभी भी आपको पता है कि 1,35,000 के समथिंग इनने निकाल दी, ठीक है। और अभी पिछले बार एसएससी में निकाली थी तो उनने भी यही सब किया था। फिर अब आपको पता है कि यूपी में अभी 69,000 वैकेंसी और है टीचर की, तो उन्हें भी वो क्लियर नहीं करा पाए। जब आपको वैकेंसी निकाल, जब आप वैकेंसी तो निकाल दे, जब आप एग्जाम नहीं करा पाते तो वैकेंसी निकालने का क्या फायदा, क्या वैकेंसी निकालने का क्या फायदा। और अगर आपको कराने हैं तो जल्दी कराइए, अन्यथा नहीं कराइए। और अगर जो भी अब वीडियो आप देख रहे हो उसे आप शेयर कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और इनके बाद में समझ में आए कि क्या चल रहा है। अब आपको पता भी जी 1,000 करोड़ रुपए हैं जी भी ये घोटाले से कम नहीं होते हैं, क्या 1,000 करोड़ हैं जी भी ये घोटाले से कम नहीं होते हैं। अगर किसी भी कोई भी बैंक को ब्याज पे दे दिया जाए सरकार, तो बहुत सारे रुपए आएंगे इनका ब्याज, क्या 1% पर ही दे दिया जाए तो बहुत सारे, लेकिन 1% तो देंगे नहीं और ज्यादा पर देंगे क्योंकि सरकार बहुत होती है। अब वो कहते हैं कि हम आपको एग्जाम कराते हैं इसलिए ले लेते हैं। जब आप हमारे एग्जाम को कराते हैं तो आपको क्या पता रहता है कि वेंडर 500 रुपए लेगा, क्या आपका वेंडर 500 रुपए लेगा या इससे ज्यादा लेगा। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि 500, आपके पास 100 रुपए का फॉर्म होता था वो आपने 500 कर दिए, क्या 100 रुपए का फॉर्म होता था 500 कर दिए, और एग्जाम जल्दी होते थे वो भी एग्जाम जल्दी नहीं करा पा रहे हो। तो मेरी एक ही विनती है कि आप जल्दी से एग्जाम करा दीजिए, और जो भी दोस्त हैं जो भी पढ़ने वाले हैं उनसे ये कहने कि आप डटे रहना, एग्जाम तो होगा लेकिन टाइम में होगा, लेकिन आपको डटे रहना है, अपनी अपनी जो भी तैयारी करें छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ दोगे तो आपका, आपने 1 साल से तैयारी कर ही रहे हो, अगर आप बीच में छोड़ दोगे आप तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कर दो, आप इनके भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये सब आपको ही करना है। अगर आप सो इसे शेयर करोगे तभी उनके कानों में आवाज पहुंचेगी और क्या उनको कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, शेयर कर दीजिएगा, और जब शेयर कर दीजिए तो बाकी की बातें अगर और कभी होते रहेंगी। धन्यवाद।